मोबाइल वगैरह नहीं है कुछ भी सर। अल्लाह का शुक्र है सर। ये वो शख्स हैं जो इस साल खूब डांट खाए, जो हॉस्टल में रह रहे थे उनको मालूम भी हो। मैंने कहा बेटे जिस हाल में चल रहे हो उस हाल में तो आपको नहीं मिलने का। तकरीबन 3 महीने अलग किया अपने आप को? हाँ 3 महीने, 3 से 4 महीने अल्लाह का शुक्र बिल्कुल अपने आप को अलग अलग किया बगैर मोबाइल के। मोबाइल तो है ही नहीं, खुदा का शुक्र इनके पास भी नहीं, इनके जोड़ेदार के पास भी नहीं था। आज माशाल्लाह इनका स्कोर अलहमदुलिल्लाह 650 प्लस है खुदा का। कितना आ रहा जी? 650 कंफर्म है इंशाल्लाह, ऊपर जो हो जाएगा इंशाल्लाह। ये नहीं होती क्लैपिंग, क्लैपिंग हमेशा वो वाली करो जो आपको अपने लिए चाहिए। कैसी वाली चाहिए? हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने भी ज़िंदगी से सीखा है। आप किसी की बेइज्जती करिए आपकी होनी है 100%। ये मैंने करी, मैंने झेली। कभी भी गुस्सा आ जाता था सामने वाले को, 1 सेकंड में 0 समझता था। जब खुद की हुई तब समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप सामने वाले को रेस्पेक्ट करिए, अप्रिशिएट करिए, इंशाल्लाह आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको अप्रिसिएशन भी। तो हमेशा सामने वाले की खूब कदर करिए, अल्लाह आपकी कदर करेगा। ठीक है जी, कुछ बता दो बच्चों को थोड़ा बहुत। क्या होता हूँ सर? कुछ नहीं, क्या करें क्या ना करें बस इतना ही बता दो। हाँ इसमें बोलना है? अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी बात, टीचर का बहुत बड़ा रोल है। नूर नवाज़ सर और मयंक सर मेरे काफ़ी याद हैं, तो मतलब बार बार मेरे से ये बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा पढ़ाने का शौक़ है, तो मैं बार बार मतलब बच्चों को पढ़ाता रहता था, कभी इसको पकड़ लिया कभी उसको पकड़ लिया। तो सर मैं उससे बार बार बोल रहे थे कि अपनी तैयारी करो, अपने उस पर बाद में पढ़ा लेना, अभी बहुत वक्त है, कि वरना तुम्हारा नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी नहीं माना, मैं फिर भी पढ़ाता रहा। फिर उसके बाद सर ने बोला कि तुम अलग ही हो जाओ, डांट ही दिया सर ने कि तुम यहाँ से अलग ही हो जाओ, अलग रूम लो, अलग रहो, पढ़ो। फिर अलग रूम लिया, अलग पढ़ा और अल्लाह ने करवा दिया। दूसरा फ़ोन वगैरह, फ़ोन तो बहुत, हाँ रियल में बहुत ख़तरनाक चीज़ है फ़ोन तो। मतलब अगर इंसान कोई 10 घंटे भी पढ़ रहा है और फ़ोन हो उसके पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे, मतलब उसको लगेगा कि 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ टाइमर बांध के, टाइमर लगा के, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान फ़ोन रख के 8 से 10 घंटे पढ़ लेगा। मतलब उसको लगता है कि पढ़ रहा है, बट फ़ोन रखने के बाद इतना पढ़ नहीं सकता। मतलब बहुत नेगेटिव चीज़ है फ़ोन। और दूसरी बात, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, अपने टीचर पर भरोसा होना चाहिए, और अपना दिमाग तो बिल्कुल भी ना चलाओ। 2020 की बात है सर, जब आया था 21 की बात है, 2021 की बात है, जब मैं यहाँ पे आया था पहली बार, तो थोड़ा बहुत मुझसे आता था, तो ज़्यादा होशियार बनता था थोड़ा, तो टीचर वगैरह की बहुत कम मानता था, बहुत ज़्यादा डांट ही बहुत खाई। फिर 2021 में BOMS थोड़े से नंबर आए, BOMS कॉलेज लिया, वहाँ पे चला गया। फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पे मन नहीं लगा, अल्लाह का करना यह हुआ कि अल्लाह ने दिमाग में डाली, मैं फिर से यहाँ आ गया। लेकिन फिर से यहाँ आने के बाद फिर से वही पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को, फिर डांट खाई, फिर लास्ट में आ गया, कुछ ज़्यादा ही डांट खाई, फिर यहाँ से गया, अकेला रहा और अल्लाह ने करा दिया। दो बच्चे इस साल ऐसे हैं जिन पर डांट पड़ी है, एक अमन के भाई पे, लास्ट के 3 महीने साथ में ही डांटा था, वो अल्लाह का शुक्र सुधरे माशाल्लाह, वो भी 650 प्लस है। दूसरा शमीन पर डांट पड़ी, और ये मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, वाकई में ये जो डांट होती है ना वालदेन की, टीचर्स की, गार्जियंस की, लगता है कि हमें ना, हमें हमारे लिए बुरा होगा, बट बेटे वो बुराई नहीं, वो आपकी अच्छाई के लिए होती है। आप उसे अमल कर लें, उसको मान लें, ज़िंदगी आप ही के काम। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट इंशाल्लाह, उम्मीद यही करते हैं। आज ये यहाँ खड़े हैं, कल इंशाल्लाह आप खड़े होंगे, अपने जूनियर्स को दे रहे होंगे, बता रहे होंगे कि कामयाबी की चीज़ें। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, कुछ ऐसा कर जाओ कि कहानियों में बनो, सुनने में भी मज़ा आए और सुनाने में भी मज़ा आए इंशाल्लाह। आप बस इतना सा कोशिश करिएगा कि जो चीज़ हम कम से कम टाइम में कर सकते हैं, इतना लंबे हमें पीरियड ना लेने पड़े, इतने लंबे हमें गैप ना लेने पड़े, अल्लाह करे जो चीज़ हम एक ही साल में कर सकते हैं, 1 साल में करें, 2 साल की नहीं, उसको एक साल। एक बात बोलते सर जी, बिल्कुल सारी आपकी दुनिया। NCERT पे फोकस बहुत ज़्यादा करना, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, मतलब अपना दिमाग मत चलाना कि ये बुक लगा लो वो लगा लो। अगर लगानी भी है तो टीचर से पूछ लेना एक बार, कंफर्म कर लेना कि ये बुक लगाने लायक है या नहीं है, ठीक है। मतलब अपने टीचर को फॉलो कर लो, सब बता देंगे, सर को पता है, अभी NCERT देख के याद आया मुझको। अच्छा ये बताऊँ, मैं एलन के बारे में भी जानता हूँ, आकाश के बारे में भी जानता हूँ, सब कुछ पता है,
लेकिन ऐसे NCERT रख के यहाँ पे कोई टीचर नहीं पढ़ा था किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। और फिलहाल अब पेपर चेक कर लेना, पूरा का पूरा पेपर NCERT पर आ रहा है। तो आप खुशकिस्मत हो कि यहाँ पे हो कि मतलब NCERT पढ़ा रहे उस, क्योंकि कहीं पे NCERT नहीं पढ़ा रहे, कहीं चाहे कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो NCERT पर फोकस रहना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।